नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 9RT वर्सेस TecnoPop 5 LTE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 9RT में 6.39 इंच जबकि TecnoPop 5 LTE में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 9RT में 2.94 इंच जबकि TecnoPop 5 LTE में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 9RT में 0.32 इंच जबकि TecnoPop 5 LTE में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि 9RT से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 9RT में 198.5 ग्राम्स जबकि TecnoPop 5 LTE में 195 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 9RT में AMOLED जबकि TecnoPop 5 LTE में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 9RT में 6.62 इंचेस जबकि TecnoPop 5 LTE में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 9RT में 1080x2400 और TecnoPop 5 LTE में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 9RT में 87.44% जबकि TecnoPop 5 LTE में 81.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 9RT में 398 पिक्सेल प्रति इंच जबकि TecnoPop 5 LTE में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 9RT में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और TecnoPop 5 LTE की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 9RT में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और TecnoPop 5 LTE की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 9RT में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और TecnoPop 5 LTE में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 9RT में Adreno 660 जबकि TecnoPop 5 LTE में Powerwall GE8300 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 9RT में Qualcomm Snapdragon 888 और TecnoPop 5 LTE में MediaTek Helio मिलता है। बात करें RAM की तो 9RT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि TecnoPop 5 LTE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 2GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो 9RT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि TecnoPop 5 LTE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 9RT में नहीं है जबकि TecnoPop 5 LTE में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी 9RT में 4500mAh जबकि TecnoPop 5 LTE में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 9RT में 2 कलर्स जबकि TecnoPop 5 LTE में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
9RT में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें टेक्नोपॉप 5LTE की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 6,299 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो OnePlus 9RT में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नोपॉप 5LTE की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 9RT आगे है, मेन कैमरा में 9RT आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 9RT आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Note 20 है, दूसरा Samsung Galaxy S21 5G है, तीसरा OnePlus 8T 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।